आलमी खबरों का रुख करते हैं। ईरान की जानब से जौहरी प्रोग्राम में तेजी के ऐलान पर अमरीका भी मैदान में आ गया है। ईरान पर जौहरी माहदे से खुद बाहर निकलने का इल्ज़ाम आयद। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने आलमी बरादरी से ईरान के एटमी प्रोग्राम को मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने समाजी राबिते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा है कि ईरान अपने फोटो सेंटर में जौहरी सरगर्मी बढ़ाने का इरादा रखता है, जो इस खदशे को जन्म देता है कि वो खुद को तेजी से जौहरी माहदे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया के अमन को तबाह होने से बचाने के लिए अक़वामे आलम को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना होगी और ईरान को खतरनाक मकासद से रोकने के लिए संजीदा इकदामात उठाना होंगे। दुनिया को चाहिए कि वो ईरान के मकासद को मुस्तरद करें और उस पर दबाव बढ़ाएं। माइक पोम्पियो का ट्वीट ईरानी सदर हसन रूहानी के ऐलान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान अपने जेरे जमीन फोटो सेंटर में लगी सेंट्रीफ्यूज मशीनों में गैस भरने का अमल दोबारा शुरू करेगा। ईरान और आलमी ताकतों के माबैन होने वाले 2015 के जौहरी माहदे के तहत ईरान ने फोटो सेंटर को एक जौहरी टेक्नोलॉजी मरकज में तब्दील पर इत्तेफाक किया था, जहां 1044 सेंट्रीफ्यूजेस की अफजूदगी के अलावा सेंटर को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत भी दी गई थी।